वेलकम बैक टू पंजाबी फूड विद गीता। अज की रेसिपी में आपां तुहानूं गुलाब जामुन बना के दिखावांगे ते जिहड़ा जिहड़ा समान विच पैंदा तुहानूं जरूर दसांगे ते बाकी मेरे चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर कर दिया करो ते आओ तुहानूं दिखाने आ जिहड़ी जिहड़ियां चीज़ां इहदे विच पैंदियां गुलाब जामुन च। हुण आओ तुहानूं दिखाउने आ गुलाब जामुनां विच किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां पैंदियां सारियां दसदे आ। इहदे विच पावांगे आपां इक कौली खंड दी चासनी वास्ते जिन्ने खंड ते उन्ने ही आपां पानी पावांगे ते अद्धी इक कौली आपां दो तीन चमचे इह लए अपने मैदे दे ते इन्ना ही बराबर मात्रा विच लई आ मैं सूजी ते पनीर नूं हत्थां नाल मैश करके रख लिया इदां बरीक बरीक फ्रैश पनीर सी मेरे कोल इह इस तरह एक कौली पनीर दी लै लई। इहदे विच आपां थोड़ा जिहा बेकिंग पाउडर पावांगे ते नाल जिहड़ा आ ड्राई मिल्क सुक्का दुध पावांगे ते इहनूं घोलण वास्ते अद्धा क कप मैं दुध लै लिया इहनूं दुध नूं गर्म करके रख लिया। चलो सब तो पहला आपां चासनी बनाउणे आ। हुण इधर एक भांडे दे विच आपां दूसरा पानी रखांगे। हुण जिन्नी अपनी खंड आ ते उन्ना आपां इहदे विच पानी ऐड करांगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਲਾਚੀਆਂ। ਇਲਾਚੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਸਣੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਚਾਸਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਚਾਸਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚਾਸਣੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੂਜੀ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਮਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਆਪਣੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਮਿਲਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਮਿਲਕ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸਾ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਗੰਢ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਾਂ ਪਾਉ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲਣੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੀਕਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਾਂ ਨਾ ਵੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਾਸਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ
वेजिटेबल ऑयल में ही बनावांगे। हुण आओ तुहानू दिखाउणे आ चासनी मेरी बिलकुल बन के रेडी है, तुहानू दिखाउणे आ। इस तरह एक तार वाली नहीं बनाउणी, इदां देखणा वी हथ ना चिपकदी आ, ते हथ ना हुण चंगी तरह चिपकदी आ, ते दो मिनट तो बाद फिर आपां इहनू बंद कर देवांगे। हुण जद तक अपना इधर तेल गर्म हुंदा आ, तेल नूं आपां मीडियम सेक ते बनावांगे। इनू ज़्यादा गुलाब जामुन गर्म सेकते नहीं पकाना, मीडियम सेकते मठे मठे सेकते पकावे। तो जे ज़्यादा सेकते पकाया तो फिर उपरों पक जानियाँ तो विचों कच्चिया रह जानियाँ। तो इधर मेरा आटा इनू भी अद्धा घंटा हो गया, हूँ आप गुलाब जामुन बनावे। इस तरह इन दोवें हिस्सों में वंडांगे। इस तरह इन गोल गोल हत्था ना करांगे, पतला पतला। इस तरह करने तो बाद आप छोटे छोटे इदा पीस कटांगे। ये कटन तो बाद फिर आप इनू हथा दे नाल इदा इदा करांगे गोल गोल। एक गल का ध्यान रखना, इहदा जोड़ ना खुला होवे, बस ऐन गोल होवे चंगी तरह। तुहानू दिखाउणे आ इस तरह दीआं बनाउणीआं सारीआं। देखो तुसीं देख सकदे आ बिलकुल गोल आ। इस तरह सारिया गुलाब जा अपने गुलाब जामुन हत्थां दे नाल इस तरह गोल करांगे। हुण तुहानू दिखाउणे आ गोल गोल गुलाब जामुन बन के मेरिया तैयार आ सारिया। तो इधर हुण आपां तेल नूं चेक करदे आ। सब तो पहला थोड़ा जिहा इहदे विच आटा पावांगे आपां। जिस तरह का तेल आपां चाहिए मीडियम सेक ते, उस तरह का तेल जिहड़ा हो चुका तुसीं देख सकते हैं। मीडियम सेक ते इस नूं पकाउणा बिल्कुल स्लो सेक ते। हुण आपां इहदे विच गुलाब जामुन पाउणियां शुरू करदे हां। बिल्कुल स्लो सेक ते सकावांगे ते अपनियां गुलाब जामुन जिहड़ियां बहुत ही वधिया बन गईआं ते अंदरों भी चंगी तरह पक जाणगीआं। इहनूं इसे तरह पकाउणा। तो बाद फिर इदा थोड़ा थोड़ा इदा हिलाना। हुण तुसीं देख सकते हैं गुलाब जामुन मेरिया कली कली है ब्राउन हो चुकी है। हुण आपां इनू चाणी दे विच पावांगे। देखो किस तरह दियां बनियां। बहुत ही वधिया बनियां। तो इहनू अद्धे घंटे वास्ते इस तरह आपां चाणी च डिप करके रखांगे ते उस तों बाद फिर तुहानू इहदा रिजल्ट दिखाउंदे आं किस तरह दियां बनियां गुलाब जामुन। हुण अद्धा घंटा मेरा हो चुका है, आओ हुण गुलाब जामुन देखदे आं। देखो एन अंदर तक ये रसा जा चुका है, चाणी जड़ी तो गोल भी है दूसरे चंगी तरह एन हो चुकी फुल गई हैं। हम आपू कढ़ते हैं।
हुण आओ तुहानू गुलाब जामुन दिखाउंदे आ जी। तुसीं देख सकदे आ इस तरह दीआं बणीआं मेरीआं गुलाब जामुन। तुसीं वी इस तरह अपने घर दे विच बणाउण दी ट्राई करनी ते फिर मैनूं दसणा तुहाडीआं गुलाब जामुन किस तरह दीआं बणीआं। ते मेरे चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर कर दिया करो। अगली वीडियो विच फिर मिलदे आ। बहुत बहुत मेहरबानी जी तुहाडी।